और इस तालियों के सिलसिले को रोकना नहीं है, क्योंकि विवेक सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो जरा जोरदार तालियां हो जाए। बस यही एनर्जी हमें आपकी चाहिए, क्योंकि इसी एनर्जी में चार चार लगाने के लिए विवेक सर अगला सेशन लेने के लिए और बहुत सारी लर्निंग लेकर आपके पास आ चुके हैं, आपके सामने आ चुके हैं। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो बुला देते हैं और विवेक सर का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, समय कुछ भी हो, वन मोर टाइम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू वेरी मच राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बढ़िया मैन पावर बिल्ड करना चाहते हो, यस नो? क्या लोग आपको छोड़ के ना जाए ये सीखना चाहते हो, यस नो? तो तीसरे पी की बात करेंगे, पीपल। बढ़िया मैन पावर कैसे बिल्ड करें, हम बोलते हैं योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। धन्यवाद, थैंक यू राहुल सर। आवाज इसकी चली गई, वो आवाज ठीक थी उसकी, दे दो वही मैम, वही दे दो, हाँ इसकी ज्यादा अच्छी आवाज है, धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद में मैं आपको दो लोगों से और मिलवाने चाहोगे। आज आपको पता है म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हो रहा है, कौन आने वाले? सोनू निगम, वो आ चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद उनके साथ हम लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट भी रहेगा और 2 घंटा अमेजिंग टाइम होने वाला है। दो लोगों से और मिलवाऊंगा जिन्होंने बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम। अनमोल किधर है? अनमोल 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 अनमोल, कितने अनमोल है ये। तो पहला व्यक्ति मैं जिनसे मिलवाने वाला हूं आपको, प्रेजेंटर जब चल जाएगा तब मिलवाऊंगा, प्रेजेंटर 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 राहुल सर। राहुल सर प्रेजेंटर, ओके चलो ठीक है, प्रेजेंटर चलता रहेगा अपना, ये लो पकड़ो उसको, कैच करो, जब चल जाए तो मुझे बता देना, कोई समस्या नहीं है। तब तक आपसे बात करते हैं, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है, क्या आपको आशीष चौहान जी के साथ मजा आया? लाउडली यस नो, कम ऑन, यस नो, ओके ठीक है, अभी मैं बात करूं चलेगा? ओके ठीक है, ठीक है। तो देखो कभी ऐसा समय ना आ जाए आपके साथ कि आप ही के ऑफिस में बैठ के आप ही के लैपटॉप को यूज करते हुए, आप ही का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, आप ही की मैनपावर naukri.com पे दूसरी नौकरी ढूंढ रही हो, तो ऐसा क्या करें कि लोग आपके साथ टिके? क्या ये प्रॉब्लम है आप लोग को? यस नो, ओके। तो मैनपावर पे मैं आपको पहले माइक्स दे देता हूं, पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं फिर प्रेजेंटेशन पे आते हैं। किसी के मन में कोई सवाल है जो पूछना चाहता है, माइक दे दो, हमारे वॉलंटियर्स अगर है तो माइक दे दो, जितने इधरे चलते चलते आगे बढ़ो। हाँ जी बोलिए, बोलिए ना, क्वेश्चन बोलिए। ऐसे इंसान में क्या देखना चाहिए कि उसको जॉब के लिए अपॉइंट कर लेना चाहिए, और क्या रिजेक्ट देखना चाहिए कि उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए? सिंपल वन थिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री देवी, चार चीजें देखनी चाहिए, कितनी? तो चार चीजें देखनी चाहिए। एवरीबॉडी मेरे साथ खड़े हो जाओ भाई लोगों, मजा आने वाला, कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी, कम ऑन। आर यू टायर्ड और इंस्पायर्ड? हाथ आगे लाइए, कितनी चीजें? हाथ आगे लाइए, पहला आगे का पोटेंशियल, मेरे साथ बोलो आगे का, दूसरा पीछे की परफॉर्मेंस, तीसरा काम आने का स्किल, पेचकस घुमाओ पेचकस घुमाओ, काम आने का स्किल, हाथ आगे लाइए, चौथा काम करने की इच्छा यानी विल, काम करने की इच्छा यानी, चार चीजें, हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, गिव योर हैंड्स आउट, कम ऑन, पोटेंशियल, पीछे परफॉर्मेंस, स्किल और विल। अब ये आगे और पीछे क्या होता है फर्क सुन लो जरा, पोटेंशियल होता है क्या ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, परफॉर्मेंस होता है पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, स्किल मतलब नॉलेज एंड नो हाउ, और विल मतलब करने की इच्छा।
चारों पे सवाल करने हैं और उन सवालों के बेसिस पे 10 में से नंबर देने हैं, 10 में से स्किल पे, 10 में से विल पे, 10 में से पोटेंशियल पे, 10 में से परफॉर्मेंस पे। जब 40 में से कितने नंबर आए, 30 से ऊपर आ गए तो हायर कर लो, 30 के नीचे है तो नहीं लेना है। अब इनका फर्क समझा देता हूँ।